गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज 4 अक्टूबर है और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के पूरे पेजेस को हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं। और आज के इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन जो है, इसमें आज वास्तव में बहुत इन्फॉर्मेटिव सारे न्यूज़ आए हैं, तो हम लोग इसे एक एक करके पूरे डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल क्वेश्चन पोस्ट किया था अपने प्रीलिम्स 2019 को टारगेट करते हुए, कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूज़पेपर से मैंने निकाले थे, तो उस क्वेश्चंस के पहले आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और कुछ लोगों के कंसर्न भी उभर कर आ रहे हैं कि सर ये न्यूज़पेपर जो है, हम जो जिस एरिया में मैं पढ़ता हूँ वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं देखो सबसे पहले सुबह अराउंड 6 o'clock लगभग मैं इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी एड फ्री वर्जन, जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं सारे एडवर्टीजमेंट को हटाकर, और मैं न्यूज़पेपर में वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं वो टॉपिक्स को हाईलाइट कर मैं पोस्ट करता हूं। तो वहां से जाकर आप वो 3-4 MB का वो PDF होता है, वो PDF को पहले आप डाउनलोड करो और उसके बाद उस PDF से आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको कभी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दिल्ली का स्टैंडर्ड एडिशन ही इंडियन एक्सप्रेस का उठाता हूं, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ मैं हाईलाइट कर उसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड कर लिया करो मॉर्निंग में, उसके बाद आप न्यूज़पेपर को पढ़ा करो। और एटलीस्ट अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी आती है न्यूज़पेपर की, तो वो सॉफ्ट कॉपी से वो मैच कर लिया करो चीज़ों को, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखो पहला क्वेश्चन था, द फर्स्ट टॉम्ब टू बी बिल्ट ऑन द पर्शियन चारबाग प्लान ऑफ द पैराडिस्कल टॉम्ब। चारबाग प्लान क्या था? चारबाग प्लान, जैसे आप लोग अगर ताजमहल देखे होंगे तो ताजमहल का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ से इधर पूरा गार्डन होते हैं, ऐसे ऐसे गार्डन्स होते हैं चारों तरफ और बीच में जो है वो मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं, और भी ताजमहल भी इसी तरीके से। तो इसमें सबसे पहले बोला जाता है कि पहला टॉम्ब इस तरीके से कौन सी, ये पर्शियन जो स्टाइल था ये पहला कौन बनाया था, ये था ह्यूमायूं टॉम्ब जो है सबसे पहले हमने बनाए थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट द मैट्रिक सिस्टम इन द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट वाज क्रिएटेड बाय, ये यूनिवर्सल सिस्टम किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये देखो जैसे कि अभी हम लोग मैट्रिक सिस्टम देखते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, तो ये हम लोगों के लिए बहुत कॉमन सी बातें लगती है। लेकिन आप सोचो कि कहीं ऐसा रीजन होता होगा जहां पर मान लो कि अगर आप दिल्ली से हरियाणा गए तो यहां पर किलो नाम से जान रहा और वहां पर कुछ और नाम से जान रहा, पंजाब गए कुछ और नाम से जान रहा, और ऐसी स्थिति 18th century में हुआ करती थी। और 18th century में डिफरेंट रीजन्स में आप जाते थे तो उसकी मेजरमेंट की जो वैल्यू थी और मेजरमेंट का जो मतलब उसमें टर्म था वो भी डिफरेंट होता था। और इवन फ्रांस के अंदर सिर्फ अपना ही मतलब इतने ज्यादा वहां पर अपने ही उसके सिटी के अंदर इतने ज्यादा मेजरमेंट के मतलब डिवाइसेस थे और मतलब पैरामीटर्स थे। और अभी भी जैसे देखो कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, लाइबेरिया हो गया, या फिर म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा भी कहते हैं, ये तीनों कंट्री का भी अभी भी मैट्रिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल मैट्रिक सिस्टम ये किसके द्वारा ईजाद किया गया, ये किया गया था फ्रांस के द्वारा, जिसे आज हम लोग फॉलो करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ ऑर्काज द मोस्ट। ऑर्काज क्या होता है पहले आपको यह जानना चाहिए। ऑर्काज हम लोग बोलते हैं, ऑर्काज होता है वेल को, ठीक है, वेल मतलब जो मछली होती है। तो देखो इसमें जो ये बोला गया है, ये देखो ये जो टर्म है पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PCB, तो इसको हम लोग ने बैन कर दिया आज से 40 साल पहले ही। लेकिन इसमें जो केमिकल जो यूज होते थे पॉल्यूटेंट, वो जो है एनिमल्स के लिए बहुत डेडली साबित होते, और खास करके ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पर जो होते हैं। तो अब देखो टॉप लेवल पर जब एक्वेटिक सिस्टम में आप चले जाओ तो उसमें जो है ये जो किलर वेव्स होते हैं ये टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ पीसीबी, उनके टिश्यू को अगर देखा जाए तो उनमें जो है पीसीबी जो की जो मात्रा होती है जिसे पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर 13,000 mg लगभग उसमें, अगर 1 kg उसका फैटी टिश्यू लिया जाए तो उसमें 13,000 mg उसको आपको पीसीबी उसमें मिल जाएंगे। और ऐसे प्रजाति जिसमें मान लो पीसीबी 50 से कम रहते हैं तो उसमें क्या होती है, इनफर्टिलिटी या फिर इम्यून सिस्टम से दिक्कतें, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें बोला जाता है कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्काज, मतलब इतना ज़्यादा उसमें ये पीसीबी होती हैं तो ये उनके लिए डेडली साबित हो जाती हैं। तो यही बायो, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ
रेफरेंस टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड ये बातें पूछी गई है, तो ये देखो जो इसमें एक जो जो प्रोडक्ट के बारे में पूछी गई वो है मरकरी। तो मरकरी जो रिलेटेड है वो किस चीज से रिलेटेड है, ये मन जिसे हम लोग म्यान माता कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, ये मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसके मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी जो हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग किस में, म्यान माता कन्वेंशन में हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोकोआ प्लांट। कोकोआ प्लांट के बारे में आपको बताना। तो कोकोआ प्लांट क्या होता है, कोकोआ प्लांट वही प्लांट है जिससे हम लोग चॉकलेट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है कोकोआ प्लांट, ठीक है, और ये कहाँ पे मतलब कैसे कंडीशंस में पैदा होते हैं, ये बहुत इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जब ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए मतलब इसको मतलब रेन फॉरेस्ट जहाँ होते हैं उसके शेड्स में, उसकी छाया के आसपास ये मतलब उपजते हैं। तो जब हम लोग रेन फॉरेस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब जो एरिया होता है इसका बहुत लिमिटेड होगा, मतलब ये हर जगह नहीं उपजाया जाता, आपके बागवान में नहीं उपजाया जा सकता, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जैसे वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ होगा वहीं पे उपजेगा। तो ये जो है 50% जो कोकोआ प्लांट पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है, ये जो होती है वेस्ट अफ्रीका में होती है, और खास करके घाना जैसे कंट्री जो है इसे मेजर प्रोड्यूसर इसकी है। इंडिया के टर्म में अगर देखा जाए तो ये लगभग 4 से 8 मीटर तक मतलब ऊंचे पौधे होते हैं छोटे छोटे, और ये कर्नाटका केरला तमिलनाडु में ये पाया जाता है। तो इसमें पूछा विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इट नीड्स ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द शेड ऑफ द रेन फॉरेस्ट फॉर इट्स ग्रोथ, ये इसका राइट आंसर है। Which of the following Indian site have been designated as the wetland of the international importance under the Ramsar Convention? तो पहले तो आप जानो कि Ramsar Convention होता क्या है। तो Ramsar Convention एक wetland के लिए, मतलब wetlands जो होते हैं वो international importance के लिए, मतलब उसके लिए एक treaty बनवाई गई है और वहीं पे convention है, और ये इसका नाम Ramsar इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो treaty बनी थी वो treaty कहाँ पर बनी थी, ईरान में बनी थी, और ईरान का शहर था Ramsar जो कि 1971 में साइन किया गया था। तो Ramsar Convention on Land of International Importance especially as a wet water flow habitat is an international treaty for the conservation and sustainable use of the wetland. Wetland को sustainable use करने के लिए जो है हम इसके लिए ये Ramsar Convention का use करते हैं। तो इसका आप बताओ कि right answer क्या होगा, इसका right answer है, इसका जो fourth है ये गलत answer है, मतलब 1, 2 and 3 जो है इसका right answer होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, बस इतने ही क्वेश्चन मैंने कल डाले थे, आज के भी जो मतलब कल के आज के न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उस क्वेश्चन को आप देखना और उसे आंसर करने की कोशिश करना, और फिर मैं कल उसके जो आंसर्स हैं उसे डिस्कस करूंगा। और मुझे आपके साथ आपका एक सजेशंस भी चाहिए, ये जो क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूं, टारगेट जो ये प्रीलिम 2019 है, ये 2019 को टारगेट करते हुए जो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैं और बढ़ाना चाहता हूं, 5-6 की जगह 10-15 कम से कम डिस्कस करना चाहता हूं डेली। तो ये मैं मतलब डीएनए के साथ साथ ही करूं या उसका सेपरेट वीडियो बनाऊं वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। आज हम लोग अपना एडिटोरियल का ये जो अपना इंडियन एक्सप्रेस है उसके अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये देखो एनजीटी ने अभी क्या बोला, गवर्नमेंट प्लान्स टू ईज द ग्रीन नॉर्म्स रियलिटी, मतलब ये जो एनजीटी था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसको मतलब ऑब्जेक्शन था, लेकिन उसके ऑब्जेक्शन के बावजूद जो है सेंटर ने प्रपोज कर दिया कि लगभग जैसे कोई भी जगह पे आप बिल्डिंग खड़ा करते हो तो उसके लिए अप्रूवल लेना होता है। तो वो जो अप्रूवल था तो वो पहले कितना था कि आप 20, देखो ये पेज नंबर 2 पे इसको बेटर वे में समझाया गया कि ये एनजीटी में जैसे 20,000 square meter है आपका एरिया, तो 20,000 square meter से अगर आप ज़्यादा या फिर 20 square meter का अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ा करते हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा, और वो कहां से लेना होगा, इन्वायरमेंटल अथॉरिटी जो होती है स्टेट की। लेकिन अब जो है ये जो सेंटर जो अभी प्रपोज की उन्होंने बोली कि अब 20,000 नहीं 50,000 square meter के तक का अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो वैसी स्थिति में क्या करनी होगी, आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, और वो सारी चीजें जो होगी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही देखी जाएगी, ये सारी चीजें अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मॉनिटर नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें क्यों की गई है, ये सारी चीजें इसलिए की गई है ताकि जो हमारा प्लान है इंडिया गवर्नमेंट का कि हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब 2022 तक सबों को घर हम लोग मुहैया करवा सकें, और फिर मतलब रेस्पॉन्सिबल बिजनेस, मतलब ईज ऑफ डूइंग रेस्पॉन्सिबल बिजनेस के तहत जो है ये एक्शन लिया गया ताकि जो है मतलब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें नहीं हो। और पहले क्या होता था, जैसे 20,000 से ज़्यादा आप अगर वहाँ पर स्क्वायर मीटर में ज़्यादा बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पर अथॉरिटी चाहिए था, उसका सिग्नेचर होना पड़ता था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, स्टेट की चीज़ें स्टेट में ही अब सॉल्व
हो जाया करेंगी। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे मतलब मेजर्स भी बताए गए हैं, जो जैसे आप 50,000 स्क्वायर मीटर पर जब बनाओगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, इफिशियंट एनर्जी होना चाहिए, रिन्यूएबल पावर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का भी आपको देख रेख उसमें करना होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बताया गया कि MSP राइज से रिलेटेड जो अभी किसान का हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे थे, तो इसमें फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रबी क्रॉप के लिए 2018 और 19 के लिए जो है 6.05% जो है इंक्रीज कर दिया। मतलब पहले मतलब MSP जो था एक क्विंटल का कितना था, ₹1735 था, तो उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1840 कर दिया गया है। पेज नंबर 2 पे थोड़ा मैं एनालाइज करके आपको बताता हूं कि जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया तो वहां पर गेहूं बहुत ज्यादा उपजता है, चना हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सारे जो है मस्टर्ड यहाँ पर उपजता, तो ये सारे कंट्री में ये जो रबी के क्रॉप हैं, तो टोटल रबी प्लांटेड ओवर द 63-64 मिलियन हेक्टेयर ये मतलब यहाँ पर क्रॉप यहाँ पर होते हैं। अब देखो कि यहाँ पर ये पूरा ट्रेंड बताया गया कि UPA गवर्नमेंट से NDA गवर्नमेंट तक कैसे कैसे हर साल जो है उसका चेंज हुआ। तो लास्ट ईयर हमारा कितना था, 1735 था, और इस बार हमने MSP कितना किया, बढ़ाकर 1840 कर दिया है। तो इसमें जो एक फॉर्मूला यूज हुआ था A2+FL फॉर्मूला, A2+FL फॉर्मूला क्या होता है, A2 मतलब होता है कि वैसे कॉस्ट मतलब इनपुट कॉस्ट, A2 इनपुट कॉस्ट में क्या होता है, जैसे आपने फर्टिलाइजर्स में जितना मतलब यूज किया, आप मान लो कि मतलब थ्रेसिंग मशीन या ट्रैक्टर चला रहे हो तो उसमें जो डीजल यूज कर रहे हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, या फिर वेजेस यूज कर रहे हो किसी वर्कर को अगर आप रखे हो उसमें काम करने के लिए, तो ये सारे कॉस्ट को मिलाकर। और F2 क्या होता है, F2 मतलब होता है इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ द अनपेड फैमिली, मतलब आपका ही अगर लैंड है, आपकी जमीन है, और आपकी जमीन पर जो है आप खुद ही वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रतिदिन का कुछ ना कुछ वेजेस तो चाहिए, तो वो वेजेस कौन देगी, तो वो वेजेस को भी इंक्लूड करके इसमें जो है ये A2+FL फॉर्मूला के तहत जो है आपको जितना कॉस्ट आपको लगेगा उस कॉस्ट से 50% ज्यादा जो है MSP जो है ये डिसाइड की गई, किनके द्वारा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बार। और इसमें एक क्रिटिसिज्म था कि वो मतलब इसमें क्रिटिसिज्म ये उभर कर आता था कि आपका मान लो अपना लैंड है, ठीक है, तो आप अपना लैंड अगर किसी को रेंट पे नहीं देते हो तो वैसी स्थिति में आपके लैंड मतलब लैंड का रेंट तो नहीं आया 3 महीने तक, तो वैसी स्थिति में उस लैंड का रेंट जो आपको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं मिलती है आपको। मतलब वही लैंड ऐसा आप करोगे, जैसे मान लो कि आपका अपना 5 हेक्टेयर तक मतलब आप मान लो कि आपका जमीन है और किसी दूसरे पर्सन का 2 हेक्टेयर का जमीन है, तो आप क्या करोगे, अपना 5 हेक्टेयर इसे दे दोगे, तो 5 हेक्टेयर जब इसे दोगे तो ये जितने दिन उपजाएगा 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए आप उससे रेंट लोगे, सेम एज द जैसे आप अपने घर देते हो किसी को, जमीन दोगे तो उससे रेंट लोगे, लेकिन वही 5 हेक्टेयर पर आप खुद ही उपजाते हो, किसी और को नहीं देते हो, तो आपको तो कोई रेंट देने वाला नहीं मिलेगा, तो ये सारी कॉस्ट उसमें नहीं थी, तो जिस कारण से मतलब ये किसान का एजिटेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा था। तो ये सारी चीजें इसमें टैकल करने की कोशिश की गई है। ये देखो करम्पा कौन है, ये यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट से इनको बुलाने की मतलब दलाई लामा के बाद जो मतलब वहां के जो मतलब ये बौद्धिक लोगों के लिए जो मतलब ऐसे फिगर होते हैं जैसे दलाई लामा है, वैसे करम्पा होते हैं, तो करम्पा को क्या बोला गया, वापस बुलाने के लिए इंडिया जो है बोल रही कि आप वापस आ जाओ। लेकिन इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमें आपको बतानी थी वो ये है कि करम्पा रिटर्न फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट लेट डाउन द कंडीशन फॉर इज रिटर्न, वो सारे कुछ कंडीशंस बताएं, जैसे कि उनको कोई भी ट्रैवल कहीं भी वो करना चाहे तो उनमें कहीं रोक टोक नहीं होगी, और फिर कोई परमिशंस उसको जितने भी होंगे वो दिल्ली गवर्नमेंट से उसको सारी कुछ मिलेगी। अभी जो डोमिनियन रिपब्लिक पासपोर्ट इनके पास है, डोमिनियन रिपब्लिक पासपोर्ट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर फैमिली को वर्ल्ड वाइड मतलब जो है एक सेकेंड सिटीजनशिप मिलता है, और ऐसे जो पासपोर्ट होते हैं 4-6 मंथ में आपको मिल जाते हैं, और वो मतलब जहां भी जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो वहां के लिए आपके लिए वो तैयार होता है, मतलब सेकंड सिटीजनशिप भी आपको मिल सकती है। और ऐसे भी मतलब कुछ कैरेबियन के ऐसे भी कंट्री हैं जो कि वीजा फ्री और फिर वीजा ऑन द अराइवल एक्सेस ऑफ द मोर देन 115 कंट्री, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि वहां पर आप जाओ और जाने के बाद आपकी वीजा वहां पर तैयार हो जाएगी, बन जाएगी, इंक्लूडिंग द इंटायर यूरोपियन यूनियन, ऐसे ऐसे यहां पर भी कंट्री हैं। तो ये डोमिनियन रिपब्लिक पासपोर्ट क्या होता है कि आपको डबल मतलब सिटीजनशिप के लिए आपको मतलब वो वीजा कभी कहीं भी मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी बोला कि मैं आपके जितने भी कंडीशंस हैं सब कंडीशंस मानने को तैयार हूं और आप जो है इंडिया वापस आ जाओ। तो डोर्जे हैड एस्केप्ड इंडिया थ्रू द नेपाल, मतलब ये क्या हुए थे कि ये नेपाल के रूट से मतलब वो लगभग 14 साल में टू मतलब नेपाल के रूट से इंडिया में आए थे 2000 में, और फिर डोजरे भी अलाउड टू मेक हिज काम इन द 17th करम्पा, और ये दलाई लामा के मतलब उत्तराधिकारी बनेंगे तो ये 17th करम्पा कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये सारे न्यूज़ तो हमने देख लिया, सेकंड पेज पे वैसी कुछ आई नहीं है।
नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज। यहाँ पर एससी एसटी कन्वेंशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो है इसे क्या बोल चुके हैं, कि शिवराज सिंह चौहान बोले कि कोई भी एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति अगर मतलब एफआईआर करने जाता है तो एफआईआर करने के बाद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले कि अगर एफआईआर करने जाता है तो वैसी स्थिति में उसे एफआईआर तुरंत ही लिखना होगा बिना किसी इंटरोगेशन के। वो ये नहीं बोल सकता हम उच्च अधिकारी से पूछेंगे तब करेंगे या फिर उसको इंटरोगेट करेंगे, अगर वो लिखाने गया तो आपको तुरंत ही लिखना होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अगर कोई एससी एसटी कम्युनिटी अगर कोई एफआईआर लिखवाने आता है तो जब तक पुलिस उसको इंटरोगेट नहीं करेगी, तहकीकात नहीं करेगी, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पूरे मामले चल रहे हैं, तो मामले जब कंक्लूजन पे आ जाएंगे तो मैं आपको और बेटर वे में समझाऊंगा। डिफिकल्ट टू एस्केप कैलामिटीज टिल द क्लाइमेट कंसर्न बिकम अ पार्ट ऑफ कल्चर, इससे रिलेटेड मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल वीडियो है जो मैं 6:30 में आज सुबह मॉर्निंग में अपलोड किया वहां पर देख लो, मतलब नरेंद्र मोदी जी खुद जो है एक आर्टिकल लिखे इंडियन एक्सप्रेस में आज, और उस आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। उस आर्टिकल को आपको समझना चाहिए कि आखिर मतलब अगर आपसे भी मैं सवाल पूछूं कि ठीक है हम हमेशा एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, एनवायरमेंट को हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी चलो ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जीत गया, लेकिन आखिर हमसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे 10 मेजर्स बचाओ जो कि आपकी गवर्नमेंट अभी मतलब प्रेजेंट में कर रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे 5-6 मेजर्स अगर मतलब आपको पॉइंट वाइज बताने होंगे क्या आप बता पाएंगे? लेकिन इस आर्टिकल को आप पढ़ो और आपको पता चलेगी कि हमारी गवर्नमेंट जो है किस पॉलिसीज के तहत काम कर रही है और ऐसे क्या कारण थे कि मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया और हमारे कामों को अप्रिसिएट किया गया हमारी गवर्नेंस को। पुतिन अराइव टूडे, मतलब ये जो पुतिन है अभी इंडिया में अराइव आ रहे हैं आज थर्सडे को, और फ्राइडे को हमारे किन से मिलेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और फिर द काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो होना है कि नवंबर 18 से 28 तक चलेगी, इन पर भी बात होगी, और फिर बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज पे इस पे साइन किए जाएंगे। तो एक बार जब फ्राइडे को ये प्राइम मिनिस्टर से मिल लेते हैं उसके बाद तो एडिटोरियल में बहुत इसके रिलेटेड आएंगे, तो उन सारे चीजों को हम लोग पूरे डिटेल में उसमें देखेंगे। ब्रू के बारे में कल मैंने क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में, ब्रू कम्युनिटी कहां से थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये ब्रू कम्युनिटी के बारे में आर्टिकल बताया गया कि इसमें जो इसके जो रिलीफ कैंप है वहां पर जो है जैसे भोजन वगैरह जो चावल दाल वगैरह जो दिए जाते थे वो सारी चीजें अभी बंद कर दी गई हैं, तो इनके पास अभी खाने के लाले पड़ गए। लगभग 5,000 ऐसे रिफ्यूजी थे जिनको कि मिजोरम वापस जाने के लिए बोला गया त्रिपुरा से, ठीक है, बट दे रिटर्न टू त्रिपुरा, लेकिन वो मिजोरम गए और फिर वापस से त्रिपुरा ही आ गए। और बोलते हैं कि हमारे जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक प्रॉपर कंडीशंस नहीं देगी, वहां का हैबिटेट हमें वहां पर रहने के लिए सही मतलब वो एरिया नहीं देगी, तो तब तक हम लोग वो क्लस्टर विलेजेस नहीं होगा, वो हमें पैसे नहीं देगी, तब तक हम लोग जो है वहां पर रिटर्न अपने जो एंसेस्ट्रल प्लेस है वहां पर रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग यहीं कैंप में त्रिपुरा में ही रहेंगे। तो अभी जो एक फोरम बनाई गई थी और उस फोरम के तहत इनको कुछ पैकेज दिए गए, लगभग 1.5 लाख रुपए हाउसिंग असिस्टेंस आपको मिलेंगे, 4 लाख रुपए असिस्टेंस मिलेंगे जिसमें सस्टेंस विद वुड बी द हैंडेड ओवर आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल तक आपको ये मतलब 4 लाख रुपए तक के मिलेंगे, और 5,000 रुपये पर मंथ आपको कैश असिस्टेंस मिलेंगे, और फिर फ्री राशन मिलेंगे, ये सारी चीजें। और इनको बोला जा रहा है कि आप वापस त्रिपुरा से जाकर मणिपुर जहां के आप ओरिजिनली हो वहां पर जाकर चले जाओ, लेकिन ऐसी स्थिति में ये बोल रहे हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी कंडीशंस को अच्छी तरीके से वहां पर एनालाइज नहीं किया जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द मैनुअल एक्सकेवेंजिंग से रिलेटेड, मतलब क्या होता है मैनुअल एक्सकेवेंजिंग, जैसे कि मतलब वो गंदे नाले साफ करना या फिर मतलब शौच वगैरह जो एक्सक्रेटा होता है वो सारी चीजों को साफ करना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मैनुअल एक्सकेवेंजिंग। तो एक स्टडी किया गया और स्टडी में पाया गया कि मोस्ट ऑफ द जो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग के कारण जैसे ड्रेनेज वगैरह जो मतलब हाथों से साफ करते हैं अंदर नाले में घुसकर, तो उसके कारण जो मौत हो जाती है, तो उस मौत में मतलब ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि उसका एफआईआर करवाया ही नहीं जाता, और एफआईआर करवाने के साथ साथ जो उसमें मतलब उनको कंपनसेशन मिलने चाहिए वो सारे कंपनसेशन को भी वो जाकर मांगने में मांगते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट की है उन लोगों को नहीं पता। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मतलब बिलोंग करते हैं मैनुअल एक्सकेवेंजर्स लोग, ये कौन से कास्ट के होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होते हैं, मतलब जिसे हम लोग वाल्मीकि कम्युनिटी कहते हैं। तो 94% ऑफ द
फैमिलीज दिस इज बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब ये जो वाल्मीकि फैमिली मैंने बताया, और फिर ये मतलब जो आंदोलन करते अभी नीति आयोग के तहत ये एक प्रोग्राम बनाया गया और पता ये मतलब इसमें एक डेटा बनाया जा रहा है कि पूरे मतलब भारत में कितने मैनुअल स्कैवेंजर आज पाए जाते हैं, उसको एक डेटा अभी अभी तक मेरे पास वो डेटा था ही नहीं, तो अभी नीति आयोग जो है इस डेटा पे काम कर रही है। द इनकम्प्लीट वायलेशन ऑफ द, और ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य है सचमुच बहुत ही दयनीय कार्य है, मतलब हम जो है मार्स पे पहुंच गए, नए नए मतलब इनोवेशन कर रहे हैं, मोबाइल व्हाट्सएप वो सारी चीजें कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देखो आज भी हमें जो गंदगी है मतलब हमारा मल मूत्र जहां पर जाकर मतलब एकत्रित होता है वहां पर अगर कुछ दिक्कतें आ गई टनल में तो उसको साफ करने के लिए जो हम जो है ऐसे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना पाए, ऐसे मशीन्स नहीं बना पाए, उस चीजों को ठीक करने के लिए आज भी हमें जो है एक पर्टिकुलर कास्ट के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की मदद लेनी पड़ती है, और वो लोग भी जो है मतलब उसके अंदर जिस चीजों से हम लोग दूर भागते हैं उसकी बदबू से, वहां पर वो उसके अंदर एंटर करके हाथों से जो है उसके गंदगी को निकालते हैं और वहां की जो भी खराबियां होते हैं वो ठीक करते हैं। तो ये सारी जो है हमारी ह्यूमन राइट की जो डिग्निटी है ये डिग्निटी को हमें चोट पहुंचाती है और इसे हमें जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है। देखो व्हाट S-400 मीन टू इंडिया, S-400 जो है S-400 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, इसे पूरे एक्सप्लेन पेज में बताया गया डिटेल में, तो हम लोग इसे समझते हैं। मैं थोड़ा इसे और भी जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो जो S-400 है, ये S-400 रशियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और जिसे हम लोग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, और ये लगभग 5 बिलियन की डील होने वाली हमारी और रशिया की। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द S-400 एंड व्हाई डज इट इंडिया नीड, ये है क्या और फिर इंडिया को इसकी आखिर जरूरत क्या है। तो ये देखो तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये बहुत ही मतलब शील्ड अगेंस्ट द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि हमें ये प्रोटेक्ट करेगी, मतलब आप अगर दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली में कोई मतलब मिसाइल मान लो पाकिस्तान जैसे मिसाइल छोड़कर दिल्ली को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, तो S-400 में वो कैपेबिलिटी है कि उस मतलब मिसाइल को हवा में ही निरस्त करके वो उसे दिल्ली में आने से पहले ही उसे हवा में ही निरस्त कर देगा। तो रशियन बिस S-400 जो है ये आइडेंटिफाइड जो किया गया नाटो के द्वारा S-1 ग्वारल और ये जो यूनाइटेड स्टेट जो थर्ड बनाई थी उसके मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल और इफेक्टिव है। तो S-400 मोबाइल सिस्टम, ये एक मोबाइल सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट क्या करती है, बहुत मल्टी फंक्शनल है, जैसे कि रडार को, जैसे कि अभी जैसे आपने देखा था कि जब हम लोग एबटाबाद में ये उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था तो वहां पर पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट की जो मतलब जेट थी प्लेन थी वो एंटर कर गई थी और मतलब पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, तो मतलब रडार उसको पकड़ नहीं पाती है। तो ऐसे इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, ऑटोनॉमस डिटेक्शन लगे हुए हैं, टारगेटिंग सिस्टम, मतलब वो ऐसे नहीं कि मैं अंदाज में ही वो मतलब वो उससे कुछ भी गोली बारूद निकाल दे, वो प्रॉपर टारगेट पे वो चीजों को वो अटैक करती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, उसमें लॉन्चर्स हैं और फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो सारी चीजें जो एक चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें S-400 में डाली हुई हैं और इट कैन बी डिप्लॉयड बिंदु, और ये मतलब हमें इसे डिप्लॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए कि मतलब नट कस रहे हैं, उसमें गोली डाल रहे हैं, बारूद डाल रहे हैं, मॉनिटर को यूज कर रहे हैं, बस 5 मिनट में ये जो है तुरंत तैयार हो जाता है। और ये मतलब ये फायरिंग 3 टाइप ऑफ मिसाइल, और एक बार में ये 3 डिफरेंट टाइप के मिसाइल को फायर करने में सक्षम है, मतलब हमारे पास 3 लेयर्स होंगे। अगर मान लो कि कोई भी आपको चाइना अगर हमारे देश पर अटैक कर देता है, कुछ ऐसे मिसाइल भेज देता है, तो हम लोग अगर S-400 से अटैक करते हैं उसे, तो वो 3 लेयर के मिसाइल एक साथ छोड़ सकती है, और मतलब मान लो कि पहले मिसाइल से उसे हम लोग निरस्त करने में संभव नहीं हो पाए तो दूसरा मिसाइल भी उस पर ही जाकर अटैक करेगा, तीसरा मिसाइल भी अटैक करेगा, और तीनों ही मिसाइल के जो नेचर होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, जुदा होंगे, तो मतलब वो कंप्लीटली उसे मतलब डीएक्टिवेट ही कर देता है। इट कैन इंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट, और जितने भी एरियल टारगेट होते हैं एयरक्राफ्ट के, मतलब अनमैंड एरियल व्हीकल्स हो गए, बैलिस्टिक हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, वो सारे के सारे मतलब 400 किलोमीटर तक के रेंज के और फिर 30 किलोमीटर के हाइट में मतलब कोई भी चीजों को ये टैकल करने में सक्षम है। इट कैन साइमल्टेनियसली ट्रैक, और ऐसे मतलब 100-100, एक नहीं एक दो नहीं, मतलब 100-100 एयरबोर्न टारगेट को एक बार में ये देख सकती है और एक साथ जो है मतलब ये देखो
टारगेट इंक्लूडिंग द फाइटर सच एज द यूएस बिल्ट F-35 एंड इंगेज 6 ऑफ देम एट द सिस्टम, और 6 मतलब टारगेट को एक साथ जो है ये इंगेज कर सकती है, उस पर अटैक कर सकती है। इसको मतलब एक एक अटैक करने की जरूरत नहीं होती है, 6-6 टारगेट को एक बार ये टैकल करने में सक्षम है। तो आप देख सकते हो ये कितना एडवांस है। और ये जो रसिया है ये 2007 से इसको ऑपरेशनल रखा हुआ है, और इसी S-400 से जो मॉस्को की सुरक्षा की जाती है वहां पर इसे लगाकर रखा गया। और जो रसिया जो है अभी जो सीरिया में वहां पर जो चीजें चल रही थी, सीरिया में भी अपने नेवल बेस को बचाने के लिए जो है ये रसिया ने इस S-400 को वहां पर लगाया, और साथ ही साथ क्रीमिया पेनिनसुला में भी S-400 को इन्होंने लॉन्च किया था। व्हाट डज द इंडिया नीड, तो इंडिया को जरूरत क्या है? इंडिया को पहली बात तो आपके माइंड में पहली जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया पाकिस्तान और चाइना दो थ्रेट है और आसपास के दोनों रीजन है, तो हमारे पास क्योंकि वो 400 का उसका मतलब किलोमीटर तक का रेंज है, तो 400 किलोमीटर में ये दो कंट्री आसान से हमें से टैकल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बाय द 6th बैटालियन ऑफ द S-400 सिस्टम एंड द डिलीवरेंस द बिगन इन द जनवरी 2018। और दूसरी बात ये है कि चाइना ऑलरेडी S-400 को खरीद चुका है, तो वैसी स्थिति में हमारे लिए ये चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है। अभी जो 5 वुड बी एडिक्वेट फॉर द इंडियन, पहले तो ये बनाया गया कि प्लान कि हम लोग लगभग 12 ऐसे S-400 खरीदेंगे, लेकिन बाद में बोला गया कि हमारे देश के लिए 5 ऐसे काफी हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक साथ मतलब 6-6 टारगेट को एक साथ टैकल कर सकती है। तो हमको मतलब थ्रेट आसपास किससे, सिर्फ चाइना और मतलब पाकिस्तान से ही तो है, तो 5 हमारे पास अगर S-400 आ गए तो हमारे लिए वो काफी होंगे। हाउ डिड द यूएस कम इनटू द पिक्चर, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट की क्या प्रॉब्लम्स है? तो यूनाइटेड स्टेट की प्रॉब्लम ये है कि हमने जो एक कन्वेंशन होता है उसका काटसा, तो उसके तहत क्या है कि रसिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये तीन कंट्री पे क्या करती है, बैन लगाती है। तो आप अगर काटसा को साइन कर लेते हो तो काटसा को साइन करने के बाद ये तीनों कंट्री से रिलेटेड कोई भी वेपन्स को आप नहीं खरीद सकते हो। और साथ ही साथ काटसा में ऐसे भी प्रोविजन दिए गए कि वो रसिया में क्योंकि मतलब वो यूक्रेन में जाके अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन की, तो जिसके कारण उसे पनिश करेगी। और उस पर आरोप रसिया पे ये भी है कि वो जो वहाँ का इलेक्शन था उसमें भी इसने छेड़छाड़ किए थे, तो जिस कारण से जो है रसिया पे और रशियन कंपनीज पे जो है उस पर बैन लगाई हुई है इस कन्वेंशन में। तो उस कंपनी से और फिर रसिया से हम लोग कोई भी मतलब मिसाइल्स को और फिर फाइटिंग जेट को नहीं खरीद सकते, कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये काटसा का प्रोविजन है। तो अब फिर इंडिया इसके इससे कैसे टैकल करेगा? तो इंडिया के लिए बात यह है कि जो ये जब हम लोग काटसा साइन करने में हमें इसलिए देर हो रही थी क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इसमें वेवर चाहिए था, कुछ ना कुछ हमें जो उसका मतलब इतने टफ प्रोविजन से, वो टफ प्रोविजन से हम लोग मतलब वो मतलब सहमत नहीं थे। तो उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ ये बातें बोली गई और यूनाइटेड स्टेट ने इस बात पर गौर फरमाया कि इंडिया कुड नॉट बी डिक्टेटेड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बाय द थर्ड कंट्री, मतलब दूसरे किसी तीसरे कंट्री से हमारा रिलेशन कैसा हो स्ट्रेटेजिकली, हम उसे किस तरीके से डील करेंगे, इसे जो है यूनाइटेड स्टेट हमें डिक्टेट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें उसमें क्लियरली जो लिखी हुई थी और इसी का फायदा उठाकर हम जो है काटसा साइन करने के बावजूद भी हम जो है इससे S-400 खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। और इंडिया और सिर्फ बात ये S-400 की नहीं है, अगर आप काटसा साइन करके अगर ऐसा अगर ये प्रोविजन इंडिया पे लगा दिया जाता तो आप देखो अभी ना हम लोग यूनाइटेड स्टेट से मिसाइल और फिर जेट खरीद, लेकिन इससे पहले जितने टेक्नोलॉजी आते थे वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी कहां के हैं, रसिया के। तो उसमें कुछ मान लो खराबी आए, फिर उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स बचे हुए हैं, तो वो सारी चीजें हमको कहां से, हम तो खुद से डेवलप कर नहीं रहे, वो तो हमें रसिया से ही मंगाना होगा। तो फिर ये प्रोविजन हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था इस पे साइन करना। तो हम लोग जो है जिस कारण से जो है रसिया से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जितनी भी आप देख लो कि सुखोई हो गया या फिर T-72 हो गया या फिर विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट हो गया, ब्रह्मोस हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी कहां के हैं, रशियन टेक्नोलॉजी हैं। और उसमें कुछ भी खराबी आती है, एडवांसमेंट आती है, स्पेयर पार्ट्स उसके कुछ खराब हो जाते हैं, वो कहां से हमें मिलेगा, वो रसिया ही दे सकता है, कोई दूसरी कंट्री तो हमें दे नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में रसिया के साथ हम रिलेशन को हमें बनाना होना आवश्यक हो जाता है। तो इतना हमारा समझना था इसमें। और देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ये समझना है, इसमें एक्सप्लेन पेज में द गॉब्लिन, गॉब्लिन क्या है, तो ये बोला जाता है एक नया डिस्कवर किया गया जो ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट को मतलब डिस्कवर किया जिसे हम लोग गॉब्लिन नाम दिए, एंड द चार्टिंग एंड लॉन्ली ऑर्बिट फॉर द बियॉन्ड प्लूटो, जैसे कि आप जैसे ये सन है, सन के आसपास सारे मतलब ऐसे जितने भी ग्रह हैं वो घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसमें जब सबसे लास्ट कौन था, वो प्लूटो था।
तो प्लूटो के बाद भी एक ऐसा ग्रह है और वो जो है मतलब चक्कर लगा रहा है और उसका इफेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम पे है कुछ तो है, लेकिन वो क्या है वो हमें आज तक पता नहीं लग पाया, लेकिन कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट है। तो इस चीज़ों को पता लगाने के लिए और वहाँ पर जो मतलब एक मतलब डिस्कवर किया गया प्लैनेट को, उस प्लैनेट का नाम क्या दिया गया, गॉबलिन दिया गया। और उसका नामकरण गॉबलिन क्यों किया गया, उसका नामकरण गॉबलिन क्यों किया गया मैं अभी तुरंत बताता हूँ। लेकिन इसमें ये देखो कि ये जो मतलब मैं कॉन्सेप्ट बताया कि मतलब प्लूटो के बाद भी कुछ ना कुछ प्लैनेट हैं जिस पे हमारा सोलर सिस्टम पे इफेक्ट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट एन कहते हैं या फिर प्लैनेट एक्स नाम से जानते हैं। तो प्लैनेट 9 या फिर प्लैनेट एक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 10 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ। प्लैनेट एन या प्लैनेट एक्स जो होगा हमारी सोलर सिस्टम के बाहर वो मतलब अर्थ के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा एंड बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, जैसा मैंने बोला कि हमारे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को वो चेंज करने में सक्षम है। प्लैनेट एम कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिक्यूलियर अलाइनमेंट, और बोला जाता है कि प्लैनेट एम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो हमारे सोलर सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम ऐसे जैसे मैं एक से 2D पे बना दे रहा हूँ ये फिगर को, क्या ऐसे काम करते, नहीं, ये एक पर्टिकुलर डिग्री पे टिल्ट है, ठीक है। तो ये जो मतलब वो पर्टिकुलर डिग्री पे मतलब एंगल पे जो हमारी सोलर सिस्टम पूरी टिल्ट है, तो उस डिग्री पे क्यों टिल्ट है, वो उसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, जो हम लोग क्या कहते हैं प्लैनेट 9, जो कि अभी हम लोग ने गॉबलिन को ढूंढ कर लाया। तो इसका नाम मैं अभी आपको बोला कि गॉबलिन क्यों रखा गया, इसका सब गॉबलिन इसलिए रखा गया क्योंकि ऐसे प्रोविजन थे जो इसका पहले जो नाम दिया गया था 215 TG 387, तो क्योंकि इसका वर्ड जो है जी से स्टार्ट होता है तो इसका नाम जी रखना ही था। और साथ ही साथ जब ये चीजें इजाद हो रही थी, जब ये चीजों को पता लगी थी, तब उस टाइम जो है वो कौन सी मतलब अनाउंस डिस्कवरी द गॉबलिन वाज 18 एस्ट्रोनॉमी, ये यहाँ पर कुछ तो एक होता है ये द डिस्कवरी द हेलोइन, हाँ, तो उस टाइम जो है कि हेलोइन का पर्व मनाया जा रहा था, तो जी और हेलोइन को मिलाकर हमने गॉबलिन नाम रख दिया। और ये गॉबलिन वाज द 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन, और गॉबलिन की दूरी अगर मैं जैसे आपको बता रहा था प्लूटो के बाहर है, तो उसकी दूरी लगभग इस्टीमेट कितना की गई है, 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस को आप क्या कर दो, 80 टाइम्स बढ़ा दो, वो उतनी दूरी पे जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को हम लोग प्लैनेट एन कहते हैं, और उसका नाम जैसे हम लोगों ने अभी जैसे गॉबलिन दिया। तो आप होपफुली ये चीजों को समझ गए होंगे। एट इट क्लोजेस्ट द गॉबलिन, और सबसे क्लोज ये मतलब सन के जो आया है वो कब आया है, 65 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे आया है। तो हंट गोजन, ये जो खोज है लगातार चलती ही जा रही है, और ये मतलब अभी हम लोग श्योर, जैसा मैंने बताया कि उसका क्या प्रभाव है उसका हम लोग श्योरिटी पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव है और आने वाले समय में हमें ये चीजें पता चल जाएंगी। ये देखो डार्विन इन द टेस्ट ट्यूब, अभी मतलब अब कल हमने देखा कि फिजिक्स के लिए दिया गया था जिसे नोबेल पुरस्कार, अब हम लोग आज देखेंगे कि केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार जो है इन तीनों को दिया गया, फ्रांसिस एच हॉर्नर, जॉर्ज पी स्मिथ और जॉर्जरी विंटर, और इन्हें क्यों दिया गया है। तो यहां देखो डार्विन इन द टेस्ट ट्यूब, तो पहले मैं डार्विन से रिलेटेड एक रोचक कहानी मैं आपको बता, तो डार्विन जो थे आप मतलब नेचर से बहुत ज्यादा क्लोज थे, वो नेचर को मतलब प्यार करते, तो यहां पर एक मतलब ऐसी रोचक कहानियां भी है कि मतलब जब वो ये जो जॉन स्टीवन थे उनके प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि एक जहाज है, वो जहाज जो है पूरे वर्ल्ड में घूमने वाली है, और उस पूरे वर्ल्ड में घूमने के साथ साथ वो जो पूरे वर्ल्ड की जितने डिफरेंट डिफरेंट पौधे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब बोन्स हैं, हड्डी हैं, मतलब जीव जंतु, उसको जो है कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके वापस जो है आएगी। तो ये चीजें जब पता चली डार्विन को, तो डार्विन भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उस जहाज पे ये भी गए। तो इनका काम उस टाइम मतलब फोटोग्राफ वगैरह तो ये उस टाइम होता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि वो सारे सैंपल्स को वहां जाते थे, और मतलब कोई भी ऐसे आइलैंड पे पहुंच गए या फिर कोई ऐसे टापू पे पहुंच गए, तो वहां पर जहाज को रोक दिया जाता था और बोट की मदद से जो है वो टापू के किनारे जाया जाता, और वहां पर जो उसको नए नए पौधे वहां पर मिलते थे उस पौधे को कलेक्ट कर लेते थे, कुछ बोन्स हड्डी वगैरह मिलते थे उसे कलेक्ट करके और फिर उसके सैंपल को बना के वापस जो है अपने सेंटर में भेज दिया करते थे, रिसर्च सेंटर में, ठीक है। तो इनका काम ये था, तो इसको कलेक्ट करते करते, और फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि मतलब जब वो ऐसे टापू पर थे तो एक बहुत ही मतलब बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिर वहाँ से नीचे गिरा, और जो है वो कंप्लीटली उनको वापस लौटाने में मतलब ये असक्षम कर सकता था, लेकिन डार्विन ने बहुत अपने मतलब चतुराई से चीज़ों को बचा लिया। तो फिर डार्विन का मतलब लोगों का फोकस डार्विन पर चला गया। तो डार्विन जब इस चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे सैंपल को, तो उन्हें एक चीज़ ये पता चली, और वो ये चीज़ें पता चली कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स
उसका बेसिक जो है वो सब कुछ सबका सेम है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जिसके कारण जो है उसका नेचर चेंज हो गया। मतलब सबकी बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि ह्यूमन बींग को देख लो, तो ह्यूमन बींग में बेसिक चीज़ें जैसे दो हाथ हैं, दो आँखें, एक नाक है, वो दो पाँव हैं, तो ये बेसिक चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन थोड़े से जीन्स के कारण या थोड़े से चीज़ों के कारण जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये चीज़ें उन्हें पता लगी। तो ये पता लगने के बाद जो है वो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वो 20 साल तक इस पर रिसर्च करते रहे, और रिसर्च करने के बाद फाइनली इन्होंने क्या बताया, फाइनली जब इन्हें मतलब वो कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो इन्होंने ये तो इन्होंने बताया कि जैसे कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियां पौधे जैसे होते थे, वो संसार में अलग अलग मतलब जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सेम हैं, और उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस कारण से है, वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मतलब जैसे कि मान लो कि कोई भी जैसे कि कोई भी प्लांट है, वो सब बोला जाता है कि जब उसका इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो सारे प्लांट एक ही तरीके के थे और एक ही प्लांट थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें जब टूटने लगी, मतलब जैसे सब कॉन्टिनेंट ये एशिया बन गया, ये अमेरिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, जब टूटने लगी और टूटने के बाद वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने लगे, मतलब यहां पर धूप बहुत ज्यादा है, यहां पर सॉइल यहां के चेंज हो गए, यहां पर मतलब विंड जो है या फिर यहां पर जो रेन मतलब बारिश होती है डिफरेंट होती है, तो जिस कारण से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुए, तो जिस कारण से वो प्लांट का बिहेवियर जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन इनिशियल फेज में डार्विन का कहना था कि सारे प्लांट जो थे सिमिलर थे और एक ही प्लांट थे। तो सेम बातें जो है इन्होंने ह्यूमैनिटी पे भी बोला, और ह्यूमैनिटी पे भी इन्होंने बोला कि पहले जो हैं जितने भी आज हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या थे, पहले के पहले बंदर थे, और बंदर होने के बाद जो है कुछ बंदरों ने मतलब किसी खास परिस्थिति में कुछ रहने का तरीका अलग तरीके से किया, और फिर जो परिस्थिति उनके सामने आती गई उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालते गए, और वो जो बंदर है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर आज हम लोग ह्यूमन बीइंग बन गए। तो ये जो थ्योरी थी ये किनकी थ्योरी थी, ये डार्विन की थ्योरी थी। तो ये जो डार्विन की थ्योरी है ये कहां पे दी गई, ये डार्विन की थ्योरी कहां पर पता की गई, नेचर में पता की गई, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने जो मैंने जैसे आपको बताया कि शिप में जाकर घूमते थे और कलेक्ट करते थे, तो नेचर से ये सारी चीजें पता चली। लेकिन अभी जो ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो उनकी थ्योरी थी जो नेचर में इन्होंने प्रूव करके बताया था, इसको इन्होंने टेस्ट ट्यूब में ले आया। हाउ इवोल्यूशन कैन बी डायरेक्टेड टू द टेस्ट ट्यूब, जैसे यहां पर आपका टाइटल भी दिखता है। तो इसमें देखो अब ये जो ये तीन जो जिनको मिला है ये नोबेल पुरस्कार, ये देखो क्रिएटिव पावर इवोल्यूशन ऑफ द पुटिंग डार्विन इन अ टेस्ट ट्यूब यहां पर जो लिखा हुआ है। तो इसमें एक एक करके मैं बताता हूं कि इनकी मतलब समरी में बता देता हूं कि इनको क्या चीजें इन्होंने की। तो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एंजाइम का। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है एक नेचुरल कैटलिस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे वो प्लांट में वो मतलब सनलाइट का, रेन का, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के डिफरेंस होने के कारण प्लांट की बिहेवियर चेंज हो गए, तो सेम टू सेम वो प्लांट में जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम जो है उसमें चेंज आया, उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट ऑफ चेंज, मतलब जिसके कारण उसमें चेंज आता उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। तो उसी एंजाइम को जो है इन्होंने क्या किया, यूज एज अ सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रमोट द ट्रेड, उसे जो है मतलब साइज ऑफ द, जैसे कि पहले भी देखो इसकी शुरुआत कब होती थी कि पहले भी जमाने में देखते हो ना, किसी घोड़े के अगर कान बहुत बड़े हैं, या फिर मान लो कि कोई ऐसा पौधा मतलब कोई ऐसा जैसे डॉग का भी देखते हो कितने ब्रीड होते हैं, तो जो अच्छे ब्रीड के होते हैं उसके दाम लाखों में होते हैं, लेकिन आपको स्ट्रीट डॉग मिलते हैं उसको कोई मतलब सब कोई पत्थर मारता फिरता है, तो वो उनकी वैल्यू किस चीज़ों पर होती है, उनकी ब्रीड पर होती है। तो वो ब्रीड डिफर क्यों करती है, वो ब्रीड डिफर यू करती है क्योंकि उसके एंजाइम्स में कुछ चेंजेज आए। तो इन्होंने क्या किया, नेचर एक्सेलरेटेड, नेचर की चीजों के इन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाला, और वो जो एंजाइम था उस एंजाइम को कहां से लेकर आए, ये एंजाइम को जो प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन जो खुद से वो बनाए, तो वो प्रोटीन को क्या मतलब वो धीरे धीरे जिस चीजों से वो बनती है उस प्रोटीन से उसको सिंथेसिस किए, और सिंथेसिस करने के बाद वो मतलब जैसे कि नेचर में वो क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण वो चीजें उसमें चेंज होती है। तो टेस्ट ट्यूब में भी ऑलरेडी क्या किए कि मान लो कि यहां पर एक प्लांट को रख दिया, उस प्लांट को रखने के बाद किया कि बहुत सारे ऐसे चीजें मतलब उसमें मान लो कुछ ऐसे कंडीशंस डाल दिए गए या केमिकल्स डाल दिए गए, तो उनका जो कंपोनेंट है उनका नेचर उस प्लांट का तो चेंज हो जाएगा क्योंकि डार्विन का थ्योरी अगर सही है। तो यही चीजें जो है इन्होंने टेस्ट ट्यूब में कर देखी, और उन्होंने बाद में पता लगाया कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि नेचर में मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब इंडिया में अगर आप चाह लो कि यूनाइटेड स्टेट वाली चीजों को मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दिल्ली में मिले, तो वो नहीं है, दिल्ली बहुत पॉल्यूटेड सिटी है। तो वैसी स्थिति
स्थिति में हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में वो सारे इंजाइम्स जो प्रोटीन्स जो हमको एसेंशियल होंगे और जो चेंजेज हमें लाने होंगे, वो सारी चेंजेज जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालकर, मतलब लेबोरेटरी में डालकर, उस चीज़ों को हम लोग अब इवॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ये जो है इनकी खोज है और ये खोज अपने आप में बहुत सराहनीय कही जा सकती है, क्योंकि इनसे क्या होगा, अब हमें जिस कंडीशन में और जिस चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सारी आवश्यकताएँ हम जो है अब खुद ब खुद पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इनको कहा जाता है और नोबेल पुरस्कार इसलिए ही इन्हें दिया गया। और इवॉल्विंग न्यू प्रोटीन, वही सारी चीजें इसमें बताएगी कि वो प्रोटीन को इवॉल्व करके और फिर उसमें जो है उनको सिंथेसाइज किया गया, एंड द इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोटीन विच दिस डिस्प्ले द फेजेज, और ये पे फेजेज द विच आर द पार्ट ऑफ द लिटिल बेरीज फेजेज प्रोटीन कैन बी ट्रैक्ड, और फिर इस तरीके से हम लोग जो है एक एक उसके चीजों को ट्रैक कर सकते हैं और जिस चीजों की हमें इंपॉर्टेंट, मतलब हमें चाहिए, उस चीजों को हम लोग उसमें घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट पेज पर देखो, एडिटोरियल हमने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर दिया, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और आज का एडिटोरियल वास्तव में बहुत अच्छा है, आपको जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान जो है यू टर्न ले लिया और उन्होंने बोला कि सीपैक, सीपैक क्या है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है, तो उसमें जो है सऊदी अरेबिया जो इनका पार्ट नहीं होगा, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है। इकोनॉमी सेक्शन में पहले देख लेते हैं, इकोनॉमी सेक्शन में वैसी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है। IELFS का बोर्ड बनाया गया, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मतलब गवर्नमेंट ने पूरे रिसफल करके उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बनाए ताकि उनको डेब्ट कंडीशन से वापस लाया जाए। PTI इशू स्टेटमेंट फॉर द स्टाफ रिटेंचमेंट, मतलब जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये मतलब इनके मैनेजमेंट के तहत जो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को रिट्रेचमेंट कर दिया। रिट्रेचमेंट मतलब जैसे कोई भी कार्य हो तो कार्य से आपको मतलब निष्कासित कर दिया गया। तो वैसी स्थिति में इसमें बताया गया कि उनको जो कंपनसेशन मिलेगा वो लगभग कितना मिलेगा, वो कंपनसेशन इनको ये देखो 28 लाख से 1.5 करोड़ रुपये तक के कंपनसेशन सबको मिलेंगे। दिल्ली मुंबई रनवे क्लोजर में अफेक्ट, ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन में दिल्ली से लगभग कितने फ्लाइट, मतलब 1280 फ्लाइट उड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इनके रनवे का जो क्लोजर हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे हम लोग 376 जो है फ्लाइट को हम लोग अफेक्टेड होते इस कंडीशंस में देख सकते हैं। प्राइस ऑन पेपर, प्राइस रिलेटेड जो इशूज हमने देखा, MSP का भी जो रावी में मतलब राइज हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि अभी जो खरीफ सीजन जो एंड हुआ, तो मतलब बहुत सारे क्रॉप्स जैसे कि मूंग हो गए या फिर उड़द हो गए, बाजरा हो गए, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के जो पैडी मतलब राइस थे, वो सारी चीजें मंडी पे आ गए। लेकिन मंडी में आने के बाद जो MSP उनकी डिसाइड की गई थी, जैसे बाजरा में 1950 में 1350 रुपए डिसाइड की गई थी, और जैसे देखो कॉटन जो है 5150 रुपए डिसाइड की, तो ये सारी चीजें जब वो मंडी में आ रही हैं, तो मंडी में वो MSP के वैल्यू से ज्यादा उनको वैल्यू मिल नहीं रहा, मतलब उनको जो है पैसे जितने मिलने चाहिए वहां मिल नहीं रहे। और सिर्फ एक, इसमें पूरे आर्टिकल में बताया गया कि सिर्फ एक चीजों में उनमें मतलब जो है मतलब नियर अबाउट MSP का वैल्यू मिल रहा, और वो है कॉटन। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम जो कॉटन जो है, हम लोग बहुत हाई क्वालिटी के कॉटन को मतलब उपजाते हैं और उस कॉटन का मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, जिस कारण से जो है इसकी MSP जो है ठीक ठाक हमें उस रेट पे मिल जा रही है इसकी वैल्यू। बाकी जितने भी बाजरा ले लो राजस्थान में का, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताया गया कि जैसे कि 1250 से 1350 रुपये क्विंटल ये बिक रही है, जबकि MSP क्या डिसाइड किया गया था, 1950 रुपये डिसाइड किया था बाजरा के केसेस में। तो ऐसे सारे क्रॉप्स में ऐसे ही यहाँ पर हो रहे हैं। When farms insurance companies to be, यहां पर एक कश्मीर वैली से रिलेटेड आर्टिकल को उठाकर बताया गया कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो उसमें क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस दिया जाता है आपके क्रॉप्स पे, अगर आपका क्रॉप्स फेलियर हो गया या फिर आपने क्रॉप्स उपजाया और फिर मतलब वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया या फिर बारिश हो गई, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो वैसे केसेस में आपको क्या मिलते हैं, इंश्योरेंस मिलते हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कश्मीर वैली में अप्लीकेबल अभी तक नहीं हुई थी, और जिस कारण से अभी जो मतलब तेज़ हवाएं चली उनके पूरे के पूरे फसल बर्बाद हो गए और वो लोग जो हैं अभी इस फसल बीमा योजना से जुड़े भी नहीं थे। और ये क्यों नहीं जुड़े थे, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अभी जो PDP और NDA की गवर्नमेंट थी से पहले, वो बोल रही थी कि मतलब उसमें जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम ले रही है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा प्रीमियम ले रही है, तो उस प्रीमियम को घटाने के लिए ये बात चल रही थी, और जिस कारण से वहां की गवर्नमेंट फिर वहां पे गिर गई और जिस कारण से जो है वहां के लोगों को ये जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाए अभी तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉल आर्मरी वॉर्म, ये एक नया प्रजाति पता चला है और इस प्रजाति के बारे में आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है।
ये देखो, द अकरेंस ऑफ द न्यू इंसेक्ट पेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल आर्मी वॉर्म, मतलब FAW नाम से जानेंगे, हैज बीन रिसेंटली रिपोर्टेड, कहाँ पे पाया गया, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात. तो इनका क्या होता है कि एक फीमेल मोटमोट क्या होते हैं कि वैसे मतलब जो कि अंडे देने के लिए काबिल होते हैं, ठीक है. तो एक जो फीमेल जो मोट होते हैं वो अंडे देती हैं और फिर उनसे जो मतलब बच्चे निकलते हैं और फिर वो बड़े होकर फिर से वो मतलब अंडे देते हैं. तो ये इनकी साइकिल जो है बहुत ही विशेष चलती है. FAW इज नॉट अ साइंटिफिक कम्युनिकेशन, अभी जो है एक साइंटिफिक कम्युनिटी बन चुकी है. और इसका इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, इसका इवोल्यूशन हुआ था दशकों पहले अमेरिका में. ये कुछ नया कॉन्सेप्ट, नए कीड़े नहीं है, ये इंडिया के लिए नए हैं, लेकिन ये अमेरिका में हुआ था. उसके बाद धीरे धीरे वेस्ट अफ्रीका में फैला 2016 तक, और फिर 44 ऐसे कंट्री में धीरे धीरे ये फैलने लगी. और ये कहाँ पर मतलब जाकर फैलती है, खास करके कहाँ अटैक करती है, मेज मतलब मकई के जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि मैक्सिको वगैरह में ये चीजें. तो डैमेज मोर देन 1.5 मिलियन हेक्टर ऑफ द मेज, और ये बोला जाता है लगभग ये जो FAW जो इंसेक्ट है लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर जो अफ्रीका के मकई के क्रॉप को ये बर्बाद कर चुकी है. तो इतना ये कैसे बर्बाद करती है, तो एडल्ट जो मोट होता है ये माइग्रेट करता है, माइग्रेट बहुत ही फास्ट रेट पे करता है, मतलब एक रात में लगभग ये 100 किलोमीटर तक तय कर सकता है, और एंड द नियरली 5 किलोमीटर बिफोर लेइंग द एग. और मतलब एक बार जैसे मान लो यहां पर एक दिया, और दूसरी बार जब इसे एक देने की स्थिति में ये आता है, तो उस बीच में ये 500 किलोमीटर के बाद ही वो दूसरी जगह पर जाकर ये एग ले करता है. तो ऑल्सो द ईच फीमेल मोट इज कैपेबल, और मान लो कि एक इंसेक्ट सिर्फ, ये छोटी सी जो इंसेक्ट आपको फिगर में यहां पर दिख रही है, ये छोटी सी इंसेक्ट जो है ये पूरे लाइफ टाइम में लगभग कितने ऑन एन एवरेज कितने अंडे देती है, 1500 अंडे देती है. और ये जो मतलब इसका लाइफ साइकिल होता है कितने दिन का होता है, 30 दिनों का सिर्फ लाइफ साइकिल होता है और समर मंथ में, और 60 to 19 days क्या होता है अगर कूलर टेम्परेचर है, तो मतलब इसका अंडे से जन्म लेना, जन्म लेने के बाद वापस इसे मतलब वो फीमेल बनना, फिर उसे जन्म देना. तो ये सारी जो इनकी साइकिल चलती है वो कितने सिर्फ 30 days की होती है. और मतलब मेज में खास करके राइस में, शुगर में, सोयाबीन में, ये सारी फसलों पे ये अटैक करती है, मैनेज थ्रू द इंटीग्रेटेड. तो क्या इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच से मैनेज कर सकते हैं. तो FAW मोट लेज एग ऑन द प्लांट ऑफ द फॉलिज, मतलब ये जो मतलब पत्ते पे, जैसे आप यहां पर देख रहे हो पत्ते पे अपने अंडे को डाल देती है, और एक स्टेज लास्ट फॉर द 2 to 3 days इन द वार्म मैटर. और ये जो अंडे होते हैं वहां 2-3 दिन तक वहीं पे लगे होते हैं, और फिर 2-3 दिन के बाद उस अंडे से क्या होते हैं, वो कीड़े बाहर निकलकर आ जाते हैं. तो हमें बोला जाता है कि हमें जो अटैक करना है पेस्टिसाइड का, इसी स्टेज में करना है, क्योंकि एक बार जब ये कीड़े बन जाते हैं तो ये फिर जमीन के नीचे रहने लगते हैं, 14 से लेकर 30 दिन तक वो अंदर रहते हैं, और जो है उसके बाद वो माइग्रेट कर जाते हैं, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं. तो इसे पकड़ पाना भी आसानी होता है, और तब तक ये फसल को बर्बाद कर दिए होते हैं. और क्योंकि ये अंडे किस पे डालते हैं, अंडे जो डालते हैं पत्ते पे डालते हैं, वो अंडे से फिर से वो फीमेल बनता है, तो वो पूरे पत्ते पूरे फसल को ही ये बर्बाद कर देते हो. तो जैसे ही वो अंडे डाले, तो वो 2-3 दिन के फेज में हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अगर डाल दें तो हम जो है इससे कंट्रोल पा सकते हैं. तो उसमें और साथ ही साथ बोला गया कि हम लोग ज़्यादा इसमें केमिकल्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी फसल जो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगी. तो हमारा जो मतलब हम लोग जो फोकस कर रहे हैं किस पे, बायोलॉजिकल मेथड पे. और साथ ही साथ इसके लिए किसानों को पहले अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, किसान को बताने की ज़रूरत है. और ये जो अंडे डालते हैं बहुत छोटे अंडे डालते हैं, और लेकिन ये आँखों से देखने लायक होता है, ऐसे नहीं कि मतलब ये दिखता नहीं है, लेकिन उस अंडे को पहचानने की आवश्यकता होगी. किसान जब तक उसे पहचानेंगे नहीं तब तक वो एक्शन नहीं ले पाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा, और अवेयर करने के लिए पैम्पलेट बांटना, पोस्टर लगाना, रेडियो लगाना, टीवी ब्रॉडकास्ट करना, या फिर डायरेक्ट उनके मोबाइल पे SMS करना, ये सारे मेजर समय लेने की आवश्यकता होगी. स्प्राइंग द केमिकल्स, जैसे मैंने बोला ये सारी चीजें हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकती हैं. एंड द एग लेड बाय द मंथ ऑफ द डिस्क्रिनेबल टू द नेकेड आई, ये मतलब खुली आंखों से देखी जा सकती है. और मतलब अभी राहत की बात यह है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में ये फैली नहीं है, और जिस तरीके से मतलब इसका भयंकर प्रकोप अफ्रीकन कंट्री में, वैसा इंडिया में नहीं है. लेकिन हमें जो है इससे खुशी मनाने की नहीं, हमें जो ये हमारे इंडिया में जब तक ये मतलब घर कर जाए उससे पहले, क्योंकि ये बहुत जल्दी माइग्रेट करती है, अफ्रीका से इंडिया आने में इसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. तो हमें जो है इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है. तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और ये जो न्यूज पेपर है इसके टाइटल को हाईलाइट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, आप वहां पर जाकर डेली जो है अपने न्यूज पेपर को डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.